इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक्सन बैंगलोर के बारे में। ये कॉलेज बैंगलोर में लोकेटेड है। पहले ही IFIM के नाम से जाना जाता था, बट लास्ट ईयर उन्होंने इसको रीब्रांड कर दिया है एस जैक्सन। हम इस वीडियो में इसके प्रोस कॉन्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में आपने रखा हुआ है। My name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan. And in this video, we have Jackson, which is known as Jagdish Seth School of Management. मैं पहले इस कॉलेज के बारे में बात करने से पहले जो जिसके नाम पे रीब्रांड किया गया है उनके बारे में बात करती हूँ। He is पद्मश्री अवॉर्डेड। जब IIM Calcutta, which is the first IIM जो कि established हुआ था, उसमें जो फाउंडिंग टीम थी, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, इनिशियल फैकल्टीज थे, उनमें ये कहीं ना कहीं आते हैं। व्हेन इट कम्स टू फैकल्टी, व्हेन इट कम्स टू एजुकेटर, आई मीन आई थिंक अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, पीपल नो देम। एंड दैट इज द रीजन इस कॉलेज ने अपने आप को IFIM की जगह पूरा चेंज कर दिया उन्हीं के नाम पे, विच इज जगदीश सेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम इस कॉलेज की बात करें, 1995 का ये कॉलेज है। ये सिलिकॉन वैली इंडिया में लोकेटेड है। उसके साथ साथ AICTE, ACSB, SAC, NBA, AIU सारे अक्रेडिटेशन है। इन सारे अक्रेडिटेशन में ये ऐसा अक्रेडिटेशन है जो हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत कम कॉलेजेस के पास होता है। 2 एकड़ का कैंपस है इनका। एक और कैंपस है, उस पे हम एक और बार बात करेंगे, जहां से ये MBA और अपना BBA कराते हैं। बट अभी हम इनका जो मेन कैंपस बैंगलोर में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फुल टाइम कोर्सेज कराता है, 5 कोर्सेज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, और उसके साथ साथ इनके कई सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हैं। दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द यू नो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इन लंदन, देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, देन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन। सो अगर आप ऐसे कोर्सेज देख रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इनके पास यूनिवर्सिटी से ऑप्शन है जहां पे आप 6 महीने के लिए राइट कहीं ना कहीं जाके इंटरनेशनली भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। रैंकिंग अक्रेडिटेशन मैं नहीं मानती, तो मैं यह नहीं लेती, बट मुझे बस एक चीज अच्छी लगती है कि ये क्यूज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आता है 2021 में। दैट्स अ थिंग, बिकॉज दैट्स अ इंटरनेशनल कहीं ना कहीं रैंकिंग। बट रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेज नहीं लेना चाहिए। मैं कई सारी वीडियोज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं क्यों आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज होता क्या है कि बींग अ स्टूडेंट हम हमेशा हमारा प्रायोरिटी जो रहता है वो प्लेसमेंट्स रहता है। रैंकिंग जो होती है वो दूसरे पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। वो जो है वो लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो सोच समझ के आप लीजिएगा। तो पार्टनर्स में ये फिर से जो मैं यूनिवर्सिटीज आपको बता रही थी, जैसे यू नो न्यू बिजनेस स्कूल है, सुनी अल्बानी है, पैरिस स्कूल बिजनेस है, इनके पार्टनर्स हैं। टर्म्स ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम है जिसका फीस स्ट्रक्चर इनका 18 लाख का है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम है। कोर्सेज में PGDM कराता है, मार्केटिंग फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स। अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 12 लाख 12 लाख विद हॉस्टल इट कॉस्ट 15-16 लाख रुपीज व्हेन इट कम्स टू टोटल। IB का 18 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर बैठता है। और इनका एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम है विच इज ऑनलाइन, दैट इज लर्न फ्रॉम होम। उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास 2 साल का 15 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है, उसके लिए यू नो 4 लाख का फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका इंटेक सिर्फ 30 का है। IB का इंटेक 30 का है। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनली कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। 18 लाख इज द फी स्ट्रक्चर, और कॉस्टिंग होगी अगर आप वहां जाओगे, आपका स्टे, आपका फूड, बहुत सारी चीजें जो इसमें मेंशन नहीं है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपल सी चीज है, 50% इन योर ग्रेजुएशन कैट, मैट, सी मैट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस साल से दे हैव देयर ओन एंट्रेंस कॉल्ड जेगमैट, राइट, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बेसिस पे भी अगर आपका एंट्रेंस में स्कोर कम है तो वो देख के भी आप जा सकते हो। यू गो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में हो जाता है, विद इन 24 आवर्स आपको ऑफर लेटर आ जाता है, और आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको आई थिंक 50,000 या 1 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर पे करना पड़ता है, विच इज अ नॉन रिफंडेबल थिंग। सो ऑल माई फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर, अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो यू हैव टू 100% श्योर कि मुझे बैकआउट नहीं करना है, बिकॉज फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, राइट। अब जो भी कंडीशन है, मुझे तो ये वैलिड नहीं लगता कि नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए, बट क्योंकि इनका इंटरनेशनल क्या प्रोग्राम है उसकी वजह से इसकी फीस नॉन रिफंडेबल है। तो आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपके लिए डिफिकल्ट है कि मैं कुछ और ऑप्शन को एक्सप्लोर करूँ, तो सोच समझ के लेना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बैंगलोर इट्सेल्फ इज अ कॉस्टली सिटी,
एवरेज पैकेज जरूर ये काफी अच्छा क्लेम करते हैं, बट स्टिल यू नो टॉक टू द स्टूडेंट्स, देन कहीं ना कहीं फाइनली डिसाइड करो. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू नो दैट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. So moving to the scholarship, right? Super scholarship, scholar scholarship, academic excellence scholarship, right? ये है, but मिली कितना को है या मुझे नहीं आइडिया है, because last year कुछ students ने मुझे बताया कि college का कहना है कि scholarship, I think you know कैसे मिलेगी क्या मिलेगी उसके लिए आप एक बार college से भी coordinate कर सकते हैं. One more thing, the college provides financial assistance उन students को जो कि academically काफी strong है, काफी wise है, right? और उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो उनके जैगमेट के बेसिस पे मिलेगी, राइट? 75%, 50% एंड 30%. मूविंग टू द स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है, एमबीए पीजीडीएम में 4 लाख ईच, 20 स्कॉलरशिप, 30 स्कॉलरशिप एट 3 लाख ईच, 40 स्कॉलरशिप एट 2 लाख ईच, राइट? तो ये कहीं ना कहीं जो है वो स्कॉलरशिप है. और साथ ही साथ अगर हम बात करें आईबी में तो 3 लाख की स्कॉलरशिप है 20, 30 स्कॉलरशिप है 2 लाख ईच, 40 स्कॉलरशिप है 1 लाख ईच, राइट? प्लेसमेंट्स की हम बात कर लेते हैं. व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज, एक्सपोजर डिसेंट है. आई विल नॉट से इट्स लाइक जस्ट नेक्स्ट टू लेवल, बट या इट्स अ डिसेंट एक्सपोजर. क्लब्स हैं, एक्टिविटीज होती हैं, फैकल्टीज अच्छे हैं. एवरेज कॉलेज क्लेम करता है 10 लाख 21,000 का, जिसको मुझे लगता है फ्लक्चुएशन है. एंड आई एम नॉट श्योर, आई फील लाइक आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहेगा. एवरेज पैकेज एग्जैक्टली इतना नहीं है. अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, होता क्या है कि जैसे हम इसकी बात करें तो सेम वेलिंकर का भी यही एवरेज पैकेज है, बट वहां का सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस कॉलेज से बहुत डिफिकल्ट है. प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स पे वेरी करता है, स्टूडेंट्स पे वेरी करता है, मतलब कॉलेज में जितना अच्छा बच्चा आएगा उतना अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा. इस कॉलेज का एवरेज पैकेज इवन 15 लाख भी हो सकता है अगर लेट्स से यहाँ पे कैट में यू नो जिन स्टूडेंट्स का 90% 85 है सारे वो बच्चे हैं, बिकॉज प्लेसमेंट बच्चों पर डिपेंड करता है, कॉलेज पे नहीं. कॉलेज इज अ प्लेटफॉर्म जो कि कंपनीज बुला सकता है, तो तुमको ये समझना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू अ कॉलेज. क्योंकि होता क्या है, यू गो टू मल्टीपल वेबसाइट्स, यू गो टू कॉलेज एंड तुम डिसीजन ले लेते हो कि यार इतना, तो प्लीज स्टूडेंट से बात करो, फ्लक्चुएशन है, राइट? कितना फ्लक्चुएशन है ये एक बार चेक करो एंड देन कहीं ना कहीं एडमिशन लो, बिकॉज 15-16 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड दे हैव दिस एवरेज पैकेज. एवरेज सैलरी मार्केटिंग 10 लाख 79,000 का है. एवरेज सैलरी एनालिटिक्स 11 लाख का है. हाईएस्ट सैलरी 16 लाख. 2020-17 रिक्रूटर्स पार्टिसिपेटेड, 2020 कंपनीज वर ओरेकल, डेल, एचडीएफसी. जितनी भी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था 70% कंपनीज थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, राइट? हायरिंग ट्रेंड में एडुटेक सेक्टर्स, कंसल्टिंग एंड आईटी कंपनीज जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी. तो ये कहीं ना कहीं चीज है. मैं फिर एंड में कहीं ना कहीं आपको यही बताना चाहूंगी, बी नॉट श्योर, बी श्योर, वेरी श्योर, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर एजुकेशन. I have seen with top colleges also that what the average package they claim, excluding IIMs and IIT, right? उसमें भी कहीं ना कहीं fluctuation होता है when I talk to the students. So यहाँ पे है, पहले वो देखो फिर admission लो, students से बात करो. If you want to connect, reach out to the profile analysis form, वहां से आप students के numbers भी ले सकते हो. ये सेक्शन वाइज प्लेसमेंट्स है, कंसल्टिंग, आईटी, एडुटेक, फूड एंड बिवेरेजेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कहीं सेक्टर वाइज यू नो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स हैं. दीज आर द कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पे आती हैं टू टेक प्लेसमेंट्स इनटू दिस कॉलेज. एलुमनाई मिथुन अपाइहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज समटाइम्स आई ऑल्सो फील दैट आई एम टू बैड. तो ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट इनोवेटिव फूड लिमिटेड, राइट? देन जुबिन मिश्रा, बिजनेस एडवाइजर एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट एट Alien Biswin. Then we have business hat Aventis United Arab Emirates, right? Genpact, assistant vice president infrastructure and logistic at Genpact. Then aur kaun si company, yes, Snehanshu Mitra, head of COE data science and artificial intelligence at Nescom. Then aur kaun si bahut known company mujhe dikh rahi hai, just May Madhur Union, MD and Chief Operating Officer at Briscon Inc. Right? So ye kuch notable alumni hai when it comes to Jackson. You can have a look, right? Alumni important role play karte hai because wo aapke college ki brand value bhi batate hai aur utna strong aapka network hota hai. And that's all about this college video. Pasand aaya hai, do like it. Doston ke saath zarur share karo aur aise videos ke liye bane raho mere saath. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.